गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये लो भाई 7:30 बजे मैं आप लोग के सामने उबेर लॉग इन कर लिया एंड यहाँ से ओला। उसके बाद बताता हूँ मैं करने क्या वाला हूँ। आज दोनों एप्लीकेशन लॉग इन कर लिया एंड पोर्टर को मैं सुबह सुबह से ही लॉग इन कर रखा हूँ, ठीक है, लेकिन बजा नहीं अभी तक। और गाइस चलो अभी मैं बताता हूँ क्या करने वाला हूँ। इन दोनों एप्लीकेशन में से पहले जिस भी एप्लीकेशन में राइड आएगी, ओके, उस एप्लीकेशन में आज दिन भर काम करूँगा, मतलब सारा काम उसी में करूँगा। एंड दूसरा एप्लीकेशन जो है, मतलब अदर एप्लीकेशन को मैं यूज़ करूँगा घर आने के लिए या कहीं फंसा हूँ उससे निकलने के लिए, ठीक है। तो यही 7:30 बजे लॉग इन कर लिया हूँ। चलो देखते हैं कि पहली राइड कब तक आती है। लो 322 रुपये की सुबह सुबह राइड आ गई। ओ माय गॉड, उबेर में 27 किलोमीटर, साला ये कहाँ पर है भाई। उबेर को रैपिडो बंद, सॉरी ओला बंद एंड पोर्टर बंद, इनको जाते हैं पिक करने। बस कैंसिल ना करे भाई, सुबह सुबह पहली राइड मिली है, 1 किलोमीटर पिकअप, 27 किलोमीटर ड्रॉप, 322 रुपये ठीक ही मिल रही है। चलो मैं ऑलवेज़ नई नई जगह की राइड ढूंढते रहता हूँ, लाइक जैसे कि ये जगह मैं कभी गया नहीं हूँ, आज एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ पे, तब जा कर के आप लोग को भी बता पाऊँगा कि इस जगह पे जाना सही होगा या नहीं, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस जगह की कि वहाँ से मेरे को राइड मिलेगी या नहीं। इसीलिए इस लोकेशन पर मैं जाना ज़रूर चाहूँगा, बस कस्टमर कैंसिल ना करे। सॉरी गाइस, आप लोग को डेट बताना भूल गया, आज है 9 नवंबर, ओके, थर्सडे का दिन है और मैं निकल चुका हूँ 7:30 बजे और लॉगिन करते ही मिल चुकी है मेरे को राइड। ओके पिंडा बोलो 3918। বসেছেন? হ্যাঁ, ওটা ফোনপে গুগল পে হবে তো? হ্যাঁ সব হবে। কত দেখাচ্ছিল? 324। হাবড়া ব্রিজ থেকে নিয়ে নি? না না না, তাহলে বালি নিয়ে। আচ্ছা চলো গাইস, ইয়ে 324 কা খতম হো ভাই সাহাব, 350 উনোনে পে কিয়া। চলো দেখতা হুঁ উবের কি আপডেট দেতা হ্যায় ইস রাইড পে। 27 किलोमीटर एकदम एग्जैक्ट हुआ है, 308 रुपये उबेर की तरफ से। चलो ठीक है, पहली ट्रिप इतनी लंबी मिल गई, अब नेक्स्ट देखता हूँ कौन सी मिलती है। यहाँ से चेन्नई गाइस 1800 समथिंग किलोमीटर यहाँ पे था, मैं माइंड में नहीं है, 1800 कुछ है, और मुंबई 1750 किलोमीटर है यहाँ से। ये देख लो दूलागढ़ ट्रैफिक गार्ड, ये देखो गाइस उबेर में राइड मिल रही है, 7 किलोमीटर पिकअप, 6.5 किलोमीटर ड्रॉप, 72 रुपये की। ओ भाई साहब, समझ रहे हो, अरे बाबा इतनी लंबी राइड करने लगा तो हो गया मेरा बंटादार। भाई साहब राइड मिल गई सतरागाछी से, दिल खुश हो गया अपना। इनको जाना है कॉलेज स्ट्रीट, तो मैंने पटाख से ले लिया बिना डिले किए, क्योंकि डिले करूँगा तो हमारा ही नुकसान है। 1.8 दिखा रहा था किलोमीटर। चलो जल्दी से देखते हैं और पहुँचते हैं लोकेशन पे। आपने नहीं बुकिंग है भैया? हाँ हाँ 6430। नहीं, हाँ आता है, होगा अभी भी राइडर कहीं पे होगा। चलो
चलो गाइस, ये हमारा 14 किलोमीटर का राइड हो गया कंप्लीट। ओके, और 130 रुपये का ये राइड हुआ। मेरे को फिर से एक राइड मिल चुका है जो कि है कोलकाता स्टेशन का चितपुर। चलो चलते हैं फटाफट से 500 मीटर पिकअप। हद है, चलो नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं। बाकी आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोकेशन में फर्स्ट वाला जो गया था वहाँ पे अगर आप लोग को राइड मतलब उस लोकेशन में कभी आप फ्यूचर में जाते हो तो वहाँ से देखो, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि सीधा आप लोग आ जाना सतरागाछी स्टेशन के पास। ठीक है, 2-2.5 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है, 2.5-3 किलोमीटर आप लोग आ जाना, ईजी वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। नहीं मिलता है बुकिंग तो भी कोई बात नहीं, किसी कस्टमर को डायरेक्ट आप ऑफलाइन में भी पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ना राइडर की कमी है। ठीक है, राइडर की बहुत बहुत कमी है, तो ईज़िली आप लोग जा कर के अपना राइड ले सकते हो अगर नहीं मिल रहा है उस लोकेशन पे। तो देखो, आज फर्स्ट टाइम उबेर मेरे को नोटिफिकेशन दिया कि आपका पेमेंट जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर ड्यू हो गया है, 3 दिन से लगातार आप काम किए जा रहे हो। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो मैं अच्छे से पढ़ के सुना देता हूँ। सेक्टर 3 की राइड आ गई, 1.5 किलोमीटर पिकअप, चलो ले लेता हूँ क्योंकि उबेर तो राइड देगा नहीं अभी। यहाँ पे सब सब बता रहा है उबेर मेरे को कि आप पेमेंट करो तब जाके राइड आपको मिलेगी। तो चलो इसको पेमेंट कर देंगे, पहले भी जो मिला है बंदा उसको उठाते हैं। चलो मैं वहीं गली के पास था, आपको आवाज़ दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे थे आप। 9611 ये लीजिए। स्कूल है क्या? कितने बजे? स्कूल का टाइम नहीं है, प्रोग्राम का वो डेकोरेशन है। अच्छा अच्छा कौन सा परफ्यूम यूज कर रहे हैं? इधर से लो ना, इधर से लो ना। आप वो मणिकला का होकर से पहले से तो चेंज होगा ना? हाँ, 50 दे रहा 10 दे रहे। वेलकम। चलो गाइस, ये हमारा हो गया राइड कंप्लीट। 60 रुपीज़ की राइड थी, ऑल डन। अब यहाँ से हम उबेर का काम देखते हैं गाइस। चलो गाइस, आज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि उबेर का पेमेंट कैसे करते हैं। देखो मैं कट कर देता हूँ, मैं भी पेमेंट करने वाला था क्योंकि इससे पहले भी बना चुका हूँ। ये देखो मैं सारा हटा दिया, ये होम पेज में 3 लाइन दिख रही है आपको, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर वॉलेट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को दिखे आपका माइनस अमाउंट, ये दिख रहा है ना 109 रुपये, इस पर आपको मेक पेमेंट करना है। उसका डिपेंड करता है कि आप कितना पेमेंट करना चाहते हो, मिनिमम मैक्सिमम कस्टमाइज। तो मैं कस्टमाइज़ करके 109 रुपये 26 पैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको नीचे में कंफर्म करता हूँ। देन यहाँ पे आपसे नीचे में पूछा जाएगा सेलेक्ट पेमेंट मोड, इसको क्लिक करें एंड UPI को क्लिक करें। उसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे 3 ऑप्शन पूछा जाएगा, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। तो आपके पास जिसके भी फैसिलिटी हो आप उस पर क्लिक करके आप थोड़ा सा वेट करें। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहे हैं एंड उसके बाद यहाँ पे देखो पेमेंट प्रोसेसिंग हो रही है, आपका ये फ़ोन पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से दिखता है, मैं यहाँ पे फटाफट से पिन डाल देता हूँ। तो गाइस, ये पिन डालने के बाद कनेक्टिंग सिक्योरली, ये हमारा 109 रुपये 26 पैसे का पेमेंट क्लियर हो चुका है एंड यहाँ पे सिंपली आपको डन कर देना है। देखो यहाँ पे थैंक्स आ गया है, योर पेमेंट वाज रिसीव्ड, क्लियर। ओके, आप डन कर दो, यहाँ पे आपका तुरंत ही ये माइनस हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट है, पेंडिंग में चला गया है, थोड़ा सा टाइम लगता है ये अपडेट होने में एंड तुरंत आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो पेमेंट कंफर्मेशन का मैं आ चुका है। ठीक है, योर पेमेंट हैज बीन, यू मेड पेमेंट टू उबेर। ठीक है, क्लियर हो चुका हमारा पेमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा वॉलेट से हटाने को, ये देखो हट चुका है, 0 हो चुका है हमारा वॉलेट में। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को राइड पकड़ना है तो इसको ऑफलाइन करके ऑनलाइन कर लेता हूँ। बहुत टाइम लगा दिया भाई, चलो फाइनली हावड़ा की एक राइड आ गई। 10 किलोमीटर 123 रुपये दे रहा है सुमित, पक्का ये इन ड्राइवर में बुकिंग कर रहा था, उसी की राइड होगी।
27 लीजिए। कितने बजे ट्रेन है? ट्रेन है क्या? ट्रेन है, गाड़ी पकड़नी है। कितने बजे? टाइम है ना? बस ये तो काफ़ी बार कस्टमर क्या करते हैं ना, भैया जल्दी चलो ट्रेन छूट जाएगी। चले चलो गाइस, 114 की राइड हो गई कंप्लीट। बहुत गर्मी है भाई साहब, ठंडी के मौसम में गर्मी बना रहा है। लो भाई उबेर में पार्सल आ गई, चलो ले लेता हूँ। पहले बंद कर दो भाई पार्सल, मज़ा आता है लेकिन जो बोलो भाई, दिल खुश कर देता है पार्सल। चलो चलें पार्सल पिक करने को, 1.5 है पिकअप। ट्रैफिक तो काफ़ी जाम लग रही है गाइस। गाइस पार्सल तो मिल गई, बुक है, बहुत भारी है भाई, देखने में पतली है लेकिन बहुत भारी है। मेरे को हेलमेट जो है बाहर रखना पड़ा, रीज़न है कि हो ही नहीं रही थी। चलो डिस्टेंस दिखाई नहीं रहा है, नेटवर्क का बहुत लोचा चल रहा है यार। चलो गाइस 5 किलोमीटर का रूट है, कॉलेज स्ट्रीट तो जाना है अपने को, कॉलेज स्ट्रीट बोल लो स्क्वायर बोल लो, लेट्स गो। ये भैया का बहुत ज़्यादा पेमेंट लग गया, 5 किलोमीटर का इतना ज़्यादा अमाउंट। भाई साहब देख सकते हो आप लोग, 137 भैया गुस्सा कर रहे हैं जो भेजा उसके ऊपर। पोर्टर में 10 रुपये किलोमीटर होता है, 5 किलोमीटर का 50 रुपये तक होना चाहिए। ये उबेर बहुत ज़्यादा, मतलब पेनल्टी था क्या, कुछ माइनस में था क्या? एक बार पूछ लीजिएगा उनको, माइनस वगैरह होगा इसीलिए शायद इतना ज़्यादा दिखा रहा है। हाँ कुछ माइनस वगैरह, नहीं तो इसका हाईएस्ट 70 रुपीज़ होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। भाई साहब रिकॉर्ड हो गया भाई, मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, 140 रुपये हो गए 5 किलोमीटर डिस्टेंस के। ये दिखाता हूँ देखो, 6.7 किलोमीटर है ठीक है, इसका 114 रुपये मेरे को मिला, 8 रुपये 87 पैसे का सर्च ऐड हुआ है और कुछ भी नहीं। भाई साहब समझ सकते हो आप लोग क्या मतलब दिक्कत वाली कम हुई आज। चलो कोई नहीं, मेरे को नेक्स्ट राइड आ रखा है, चलो जल्दी से उनको जाते हैं पिक करते हैं। गाइस ये पिकअप जो है 700 मीटर का है, चलो पिक करते हैं एंड बताता हूँ अभी कांड क्या हुआ। मैं उसके लोकेशन पहुँचा ठीक है, लोकेशन पहुँचने के बाद घूमा जो ना यहाँ पे मेरे को घूमना पड़ा थोड़ा सा ठीक है। मैं आगे चला गया, थोड़ा सा आगे गया था, वो पंडाल के आगे चला गया था यहाँ से, और मैं घूम के आया ऑलमोस्ट 800 मीटर घूमा, घूम करके लोकेशन में फिर पीछे गया थोड़ा सा, फिर मेरे को 100 मीटर पीछे जाना पड़ा क्योंकि लोकेशन गलत दे रखा था। तो हम क्या कर सकते हैं, बस उस लोकेशन पे गए, भैया को दिखाया अमाउंट, देखे भैया इतना दिखा रहा है, तो उस समय दिखा रहा था 136 रुपये। फिर मैंने क्या किया, बैक किया, बैक करके फिर से मैंने कैश कलेक्ट किया, फिर 138 हो गए। फिर 2 मिनट के बाद वो कंफ्यूज कर रहे, पेमेंट इतना कैसे दिखा सकता है 5-6 किलोमीटर का, इतना तो कितना ज़्यादा नहीं होता। मैं भी बोले हाँ भैया ऐसा नहीं होता है, पता नहीं कुछ आपका ड्यू व्यू होगा, आप लोगों ने कैमरा में सुनाई। फिर उसके बाद बैक करके फिर से मैंने कैश कलेक्ट में क्लिक किया, देन फिर से 140 हो गया। मैं भी कंफ्यूज हो रही भाई ये क्या हो रहा है, हर एक मिनट पे 2-2 रुपये इंक्रीज किए जा रहा है। 2 मिनट भी नहीं, मतलब बैक कर रहा हूँ एंड तुरंत जो है मैं कैश कलेक्ट क्लिक कर रहा हूँ, मैं डिटेल देखने के लिए बैक कर रहा था। मेरे को क्या पता भाई इतना ज़्यादा अमाउंट बढ़ाते जाएगा। चलो अच्छा ही अपना फ़ायदा हो गया, 6 किलोमीटर के 114 रुपये कौन देता भाई, पोर्टर भी नहीं देगा, लिख के ले लो, पोर्टर भी नहीं देगा। अब मिल गया मेरे को, चलो भैया आज उबेर ने तो मज़ा कर दिया भाई, इसी तरह 5-10 राइड मिल जाए ना दिल खुश हो जाएगा अपना। मात्र 6.7 किलोमीटर और 114 रुपये, ओ भाई साहब। इधर इधर इधर
क्या उधर से ले लूँ? हाँ मालूम है, बहुत सारा रास्ता है ना। पिन बता दीजिएगा। ये लीजिए। चलो गाड़ी स्वराची स्वराची। चलो ये हो गया 70 रुपीज़ का राइड कंप्लीट। हो भाई साहब, मतलब ऐसे ऐसे कस्टमर है, थोड़ा सा मैं पीछे उसको उतार रहा था, ठीक है, थोड़ा सा पीछे ले उतार ले रहा था, तो वो भिकाराम का लोकेशन दिए है ना, वहीं पे उतारो ना। अरे भाई चलो होते हैं ऐसे कस्टमर। चलो इस राइड का मेरे को 66 रुपीज़ मिला, मतलब 4 रुपये का डिडक्शन हुआ, ठीक है। मेरा ओला पे इतना मूड गर्म होता है ना, सही बता रहा हूँ, अगर ओला की अगर राइड अभी अच्छी नहीं हुई रहती ना, मैं ओला को छूता भी नहीं, जैसे पहले नहीं छूता था। लेकिन इसकी राइड अच्छी रखी है, अर्निंग थोड़ी सी भले ही कम है लेकिन राइड इसकी अच्छी है, लेकिन साला बता यार कैंसिल राइड पे भी पेमेंट नहीं मिलता है, इसमें कितना हरामी गिरी है ये, मतलब ओला की मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। चलो गाइस, ये दो मेरा मतलब दो लगभग 2.5 किलोमीटर तो मैंने ट्रैवल कर ही लिया। अब उनको लोकेशन ही पता नहीं है, मैंने एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ का उसने मार्क किया था वहीं पर मैं पहुँचा, उसके बाद भी वो बोले कि शॉर्ट लेक का रास्ता, तो शॉर्ट लेक वाला तो भाई यही भी एक बड़ा रास्ता है, और दूसरा को तो कोई शॉर्ट लेक जाती नहीं है, वो कहीं केशवपुर वाला रास्ता को शॉर्ट लेक वाला रास्ता समझ रही है, पता नहीं क्या चक्कर है। गाइस अर्निंग देख लो आप लोग, 597 एंड ओला में हुआ है 160 रुपीज़, ये देख लो गाइस 160, एंड बाकी किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी अर्निंग नहीं हुई है। टोटल जो अमाउंट हमारी अर्निंग हुई है वो देख लो, टोटल अर्निंग मतलब कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह भी मिला था तो उसको मिला करके 792, मतलब 800 रुपये की अर्निंग हुई है सुबह के 7:30 से लेकर के अभी तक, मतलब 1:15। तो गाइस अर्निंग बता दी आप लोगों को, अब डिस्टेंस बता देता हूँ, डिस्टेंस से हुई है टोटल टोटल डिस्टेंस अगर मैं बता दूँ तो गाइस 200 किलोमीटर हो गई, हुई नहीं है एक्चुअली 200 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं हुई है, ये जो डिस्टेंस है ना 98 किलोमीटर हुई, तो 200 रुपये का पेट्रोल, आप सॉरी गाइस मैं क्या बोला, 200 रुपये का पेट्रोल कॉस्ट हुआ है, 98 किलोमीटर मैंने ट्रेवल कर लिया है घर जा कर के। अभी जो मैं एक्चुअली ये डिस्टेंस जो हुआ था मेरा वो 96 ही हुआ था, ठीक है, लेकिन वो लास्ट वाला आपने ओला वाली राइड देखी जिसके कारण हमारा डिस्टेंस जो बढ़ गया, तो उसमें हम कर गया सकते हैं भाई, 2 किलोमीटर मेरे को एक्स्ट्रा घूमना पड़ गया था। चलो गाइस, पुलिस भैया मेरे को देख रहे हैं, ये बंदा कर क्या रहा है। तो चलो गाइस मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को, अर्निंग डिटेल्स, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। देखो भाई कनेक्ट में ये चीज़ जो है ना आप लोग भी ट्राई करना, करना ये कि डिस्टेंस मतलब जो है जाने में जितना टाइम लगा दो आप लोग, बिजी रूट रहा तो मज़ा आ जाएगा, तो अब तो इसे ही टाइम निकल जाएगी। एंड दूसरा लोकेशन पे जाओ 3-4 बार भाई, उसको कैश कलेक्ट बैक मतलब थोड़ी टाइम भी करना, ये नहीं कि तुरंत करना, तो अर्निंग बढ़ जाएगी आपकी, सही बता रहा हूँ मैं, ट्रिक काम कर दी है, आप ट्राई करके देखना। चलो सब कुछ बता दिया, सारा सीक्रेट खोल दिया कनेक्ट का, चलो आप लोग ऐसे ही करना अर्निंग, लेकिन वो करना कितने बजे, 12 बजे से पहले करना कोशिश करना, या 12 बजे 1 बजे से पहले तब हो सकती है कनेक्ट, क्योंकि 12 बजे 1 बजे के बाद शायद नहीं होती है, शायद आई एम नॉट श्योर, आप लोग करके देखना, बाकी वो तो पता चल ही जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने बंदे लाइक ठोक दो भाई।